तो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल टू ब्लॉग्स। एक और नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको लेके आ चुका हूँ बुद्धा जयंती पार्क, जो कि दिल्ली में पड़ता है, और इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन क्या पड़ेगा और कहाँ आपको आना पड़ेगा, किस गेट से निकलना है और कितना दूरी पर ये पड़ता है मेट्रो स्टेशन के, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बुद्धा जी का एक स्टैचू मिलेगा देखने के लिए और एक तालाब भी देखने को मिलेगा, तो हम वो सब इस वीडियो में दिखाएंगे। अगर आप न्यू हो हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी ये देख सकते हैं, ये है पहला स्टैचू जो कि मेन एंट्रेंस के बाद ही हमें देखने को मिलता है। तो चलिए, और भी यहाँ पर काफ़ी सारे स्टैचूज नज़र आएंगे, तो वो सब दिखाते हैं और पूरा वीडियो को कवर करते हैं और पार्क को कवर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हैं बुद्धा जयंती पार्क, और हम आगे अंदर चलते हुए आपको सब पूरा एक्सप्लोर करेंगे पार्क और दिखाएंगे पार्क में क्या क्या बना हुआ है और क्या क्या कुछ न्यू है देखने को, क्योंकि हमने बहुत सारी वीडियो में देखा था, बहुत अच्छा अच्छा बना रखा है। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो गाइस, जैसे हम पार्क के अंदर आते हैं हमें जो पार्किंग का बोर्ड है वो नज़र आ जाता है, जिसमें बस का 25 रुपये, कार का 10 रुपये और स्कूटर मोटरसाइकिल का 5-5 रुपये रहने वाला है। और पार्क का खुलने का समय सुबह 5 बजे से शाम के 7 बजे तक का टाइम रहता है। और अभी के लिए फ़िलहाल यहाँ पर जो पार्किंग फ्री है, क्योंकि यहाँ पर इतने लोग आ जा नहीं रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्किंग बिल्कुल मुफ्त है, यहाँ पर आप कर सकते हो अभी के लिए, जो भी आओगे बिल्कुल फ्री सेवा मिलने वाला है। और अभी पार्क के पूरे अंदर चलेंगे और वहां दिखाते हैं कि यहां पर क्या क्या बना हुआ है। जो मेन चीज़ है वो मेन दिखा दूं आपको, ये है वॉशरूम, क्योंकि इंसान को पानी और निकालने का यही दो जगह मिलता है ज़रूरी। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं फाइनली कैफेटेरिया के पास, और यहां पर कैफेटेरिया पहुंचने के लिए जो कि हमें ये छोटा सा खुला तालाब है जो कि अभी फ़िलहाल के लिए सूख गया, उसको पार करना पड़ता है, जो कि ये वाला सेप जिगजैग टाइप का पुल बना रखा है। और ये कैफेटेरिया का आपको साइन बोर्ड नज़र आ जाएगा, जिसके अंदर आप जाके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो या अपनी फैमिली के साथ आते हो उनके साथ यहाँ पर खान पीन कर सकते हो। और ये वाला एरिया देख लो, कितना खूबसूरत बना रखा है ये अंदर से जाते हुए। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर आपको भूख लग जाए तो कैफेटेरिया यहाँ पे मिलेगा आपको इस साइड, और खाने के बाद जब आपको हल्का होना है तो इस साइड, दिस वे, इधर जा सकते हो, खाओ और जाओ। तो चलिए बिना देरी किए आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रस्थान करते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज हैपन मै फॉर रीजन, डोंट क्वेश्चन इट, ट्रस्ट इट बुद्धा। ये बुद्धा जी ने कहा है, बाकी आपको मेरी वाणी है, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में ये चुप रहे। हरी कौवे हैं ये भी, यहाँ पे कैसे शांति का वो दिखा रहे हैं, आराम से लाइन में खड़े होके, मतलब खड़े होके। हाँ, एक और सुविचार तो गाइस, हम आ चुके हैं चाइना वॉल के पास। यहाँ पर एक बुद्धा का जो गेट होता है ना, बुद्धा मूवीज़ या वगैरह में यूज़ किया जाता है, उस टाइप का यहाँ पर एक गेट बनाया हुआ है। उस गेट के अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा एक सिनेमैटिक व्यू आता है।
तो ये देख सकते हैं, ये है बाल बोधि वृक्ष। इसको बाल बोधि वृक्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि बुद्धा जी ने गया जिले में इस पेड़ के नीचे बैठकर तप करके बुद्धम शरणम गच्छामि वाले मंत्र को पढ़ के उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया था। और इसी यही पे ये पेड़ पीपल के पेड़ होते हैं, इनके नीचे बैठकर ही वो तप किया करते थे, इस कारण से इसको बाल बोधि वृक्ष कहा जाता है। और इसको इस पेड़ का जो इस पेड़ से हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो अगर आप दिल्ली से हो या कहीं से भी हो, प्लीज़ पेड़ों को काटना बंद करें और इस टाइप के पेड़ पीपल के पेड़ लगाएं जिससे कि हमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा मिले। तो चलिए चलते हैं और आगे भी और भी बहुत कुछ है देखने को, तो वो देखते हैं हम। तो यहाँ चलेंगे, यहाँ देखते हैं। ओह माय गॉड, फाइनली पानी मिल गया है और यहाँ बतख मस्त मस्त दिख रहे हैं। ना है यहाँ पर, अगर आपके पास पैसा नहीं है ओयो में जाने का, तो आप यहाँ पे मुफ्त में आ सकते हैं। मुफ्त, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आके आप यहाँ पे बालक पढ़ने के बहाने यहाँ पे आके एक दूसरे को वो देते हैं, सांस देते हैं, जब सांस लेते हैं किसी को प्रॉब्लम होती दिल की, तो वो वाला क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसे, क्या बोलते हैं, CPR देते हैं यहाँ पे आके। फाइनली एक और वचन हमें देखने को मिला, देयर इज नो फियर फॉर वन हुज माइंड इज नॉट फिल्ड विद डिजायर। वृक्ष आप इस तरफ जाके देख सकते हैं जो कि हमने वीडियो में भी दिखाया है, तो आगे मिलेगा आपको। फाइनली आपको हम एक और प्रवचन दिखाएंगे आपको, जो पढ़ के आपका माइंड एकदम तंदुरुस्त हो जाएगा। पढ़िए। डोंट ब्लाइंडली बिलीव व्हाट अदर से फॉर योरसेल्फ, व्हाट थिंक व्हाट ब्रिंग्स कमिटमेंट क्लैरिटी एंड पीस, that is the path for you the follow, Buddha's word। मैं आप देख सकते हैं यहाँ पर बंगाली में कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं क्या है, लेकिन बड़े साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है। काफ़ी चुका है यहाँ पर, थकने के कारण यहाँ पर बैठकर आराम कर रहा है। थोपड़ा दिखा अपना। और ये देख सकते हो बुद्धा जी का स्टैचू यहाँ पर, काफ़ी खूबसूरत है, जो कि चारों तरफ शीशे से बंद है। और इसके चारों तरफ पानी देख सकते हो जो कि अभी फिलहाल के लिए गंदा हुआ पड़ा है। और ये देख सकते हो गोरियों के बीच एक कलुआ क्या कर रहा है। सारे कबूतर और तोते और बीच में कौवा। कौवा कहाँ? तो गाइज ये देख सकते हैं, ये है बुद्धा जी का मेन स्टैचू जो कि बुद्धा जयंती पार्क के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये छोटू सा एक तालाब पार करना पड़ेगा जो कि चारों साइड में इसका बना रखा है। और ये देख सकते हैं, ये बुद्धा जी का स्टैचू है और ये हमारे बुद्धा जयंती पार्क का मेन अट्रैक्शन वाला स्टैचू होने वाला है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ। अभी इसका जो शीशा है वो कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, जिस कारण से साफ दिख नहीं रहा होगा आपको शीशे में। बाकी जब इसकी सफाई करी जाती है तो काफ़ी अच्छा दिखता है। अभी के लिए तो फिलहाल आप इसी से एंजॉय करो, बाकी आपको चारों तरफ से इसका व्यू दिखाते हैं। एक तो गाइस यहाँ का एक चीज़ देखा आपने, नेचर और व्यू के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर देखा जाए, जो ये पीछे हमारे तालाब बना हुआ है, बरसात के टाइम पे कितना ज़्यादा औसम दिखता होगा यार ये है। यहाँ पर देख सकते हो ये चारों साइड ये तालाब बना हुआ है पूरे बुद्धा जयंती पार्क के अंदर। और जब यहाँ पर बरसात होती होगी और इसमें पानी जमा होता होगा, पूरा पूरा नीला नीला दिखता होगा यार, कितना सुंदर दिखता होगा व्यू। और इसी के जस्ट पीछे पीछे आप ये वाला चीज़ देखो, उस टाइम पे जब पानी भरा रहता होगा तो कितना मस्त लगता होगा पार होने में, एकदम से जंपिंग जपांग करने।
देखो मतलब ये स्टेप वाइज वैसे गेम्स जो दिखाते थे ना वो हमारे जो हंगामा चैनल पर आता था या कुछ आता था वो उन जैसा गेम्स के जैसा लग रहा है बिल्कुल ही पार होने में। और यहाँ का व्यू देख सकते हैं काफ़ी सुंदर होता होगा यार उस टाइम पे। अभी तो फिलहाल एक खंडर हुआ पड़ा है, पानी का नामो निशान नहीं है यहाँ पर, इतना ज़्यादा पानी सूख गया, दिल्ली में इतना सूखा पड़ा हुआ। अभी पार्क में घूमते घूमते मुझे बहुत एक चीज़ तो बहुत अच्छी लगी कि आप जगह जगह पे यहाँ पे मुतरने की जगह बना रखा है, पानी है कहीं भी आके मुत सकते हैं, एक बार आदमी मतलब जन सुविधा केंद्र बना रखा है। जन सुविधा केंद्र होता है ना ये जन सुविधा के जन एक बार पानी देख कितना ठंडा है। तो आप जैसे कि आपको बहुत ज्यादा हॉट चीज लेने का मन, उतनी हॉट की साला बहुत ठंडा है। और एक चीज यहाँ पे और अच्छा लगा कि अगर आपका माइंड थोड़ा कहीं डाइवर्ट हो रहा, गंदी विचारों में जा रहा हो, तो यहाँ पे आके आप अलग अलग तरह के सुविचार पढ़ सकते हो जिससे आपका मन तृप्त हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार जरूर आए, पर मैं मेरी तरफ से एक वो भी आपको राय कि गलती से भी इस गर्मी में ना आए, आए तो अच्छे से मौसम में आए, एकदम सुहाना सफ़र हो और हाथ में एक लोटा ना हो, हाथ में एक हाथ हो किसी का। तो ठीक है, बिना देरी किए मेरी बातों को गौर फरमाइए। तो गाइस हम जन सुविधा वाले एरिए से चलते हुए यहाँ पहुँच चुके हैं रोज़ गार्डन। रोज़ गार्डन में आकर देखते हैं तो यहाँ पर देख रहे सभी फूल मुरझाए हुए हैं, यहाँ पर सिर्फ पेड़ बचे हुए हैं। बाकी आप यहाँ का एक क्लिप देख सकते हैं छोटा सा, जिसमें आपको एक ही गुलाब नज़र आ रहा होगा ये वाला, और यहाँ पर जितने पेड़ हैं उनमें अभी गुलाब फ़िलहाल आ रहे हैं और पानी की कमी के कारण अभी फ़िलहाल नहीं उगे हैं कोई से भी पौधे। तो चलिए आगे चलते हैं और क्या है वो भी देखते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं ये है कल्प वृक्ष, हाँ लेकिन होता क्या है ये तो बता दो कोई मुझे। तो गाइस घूमते घूमते हम आ चुके हैं कहाँ पर, कैक्टस के खेत में। यहाँ पर बहुत सारे कैक्टस उगाए हुए हैं जिनमें कुछ वेलवेट ब्राउन वायलेट कुछ उस टाइप के पौधे उगे हुए हैं। ये कैक्टस देख सकते हो कितने खतरनाक कांटे इसमें लगे हुए हैं। तो है यहाँ पे आके आप प्रवचन पढ़ सकते हो। आपको बताऊँ यहाँ पे जब भी आना, जब आपके पास कुछ हो, खाने पीने का सब कुछ हो, सामान लेके आना, क्योंकि यहाँ चलते चलते हमारी हालत हो चुकी है खस्ता और नहीं मिल रहा हमें रास्ता। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जंगल झाड़ देखना हो तो आना, वरना मत आना, क्योंकि और कुछ नहीं है इस जंगल झाड़ के अलावा। तो ठीक है, यहाँ पे दो ही चीज़ देखने को मिलेगी, एक जंगल झाड़ और एक बाथरूम। बाथरूम बहुत मिलेंगे आपको यहाँ पे, अगर मुँह टॉयलेट ज़्यादा आती हो तो आप आ सकते हो यहाँ पे। देखो हर जगह जेंट्स टॉयलेट, लेडीज टॉयलेट, हर जगह मिलेगा आपको। तो गाइस वीडियो में बस यहीं तक था, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही मज़ेदार और अनोखे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी लास्ट अभी ये वाला पोर्शन बचा हुआ था जहाँ से हम निकलने वाले हैं, तो यहीं का बस कुछ सीन है वो दिखाते हैं और चलते हैं आपको। तो तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।